नमस्कार, आप देख रहे हैं डीबी लाइव। नजर डालते हैं इस वक्त की बड़ी खबरों पर। मंत्रिमंडल में फेरबदल के बाद प्रकाश जावड़ेकर ने की स्मृति ईरानी से मुलाकात। जावड़ेकर ने कहा, मंत्रालय को लेकर नहीं है कोई मतभेद। कल फेरबदल में स्मृति से छीनी गई एचआरडी मिनिस्ट्री, प्रकाश जावड़ेकर को मिली है नई जिम्मेदारी। विवादों में आप नेता आशीष खेतान, पंजाब में यूथ मैनिफेस्टो की तुलना गुरु ग्रंथ साहिब से की, खेतान के खिलाफ केस दर्ज। वाटर टैंकर घोटाले में पूर्व सीएम शीला दीक्षित को एसीबी का नोटिस, शीला ने नोटिस मिलने के बाद से किया इनकार। एसीबी चीफ ने कहा, भेजा गया है नोटिस। फिर विवादों में घिरे बॉलीवुड गायक मीका सिंह, फैशन डिजाइनर ने दर्ज कराया बदसलूकी और छेड़छाड़ का केस। भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा में दिखी रौनक, अहमदाबाद में आस्था की चौखट पर पहुंचे बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह, सीएम आनंदीबेन भी रही मौजूद। वेस्ट इंडीज दौरे के लिए टीम इंडिया मुंबई से हुई देर रात रवाना, 4 टेस्ट मैचों की सीरीज खेलेंगे कोहली के शेर। खत्म हुआ फैंस का इंतजार, पर्दे पर रिलीज हुई सलमान की सुल्तान, पहले ही दिन कई सिनेमाघर हुए हाउसफुल। तो सुर्खियों के बाद अब बात करते हैं खबरों पर विस्तार से। मोदी कैबिनेट में प्रमोशन पाने वाले मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने आज स्मृति ईरानी से मुलाकात की है। दरअसल कैबिनेट फेरबदल में स्मृति से मानव संसाधन मंत्रालय छीन कर जावड़ेकर को सौंप दिया गया है। मुलाकात के बाद जावड़ेकर ने बताया है कि कई मुद्दों पर बातचीत की गई है और वो कल पदभार संभालेंगे। साथ ही जावड़ेकर ने मंत्रालय को लेकर कोई भी विवाद होने की बात से इनकार किया है। आपको बता दें कि स्मृति ईरानी को कपड़ा मंत्रालय की कमान सौंपी गई है। बताया जा रहा है कि लगातार किसी न किसी विवाद से जुड़े रहने की वजह से उनसे ये मंत्रालय छीना गया। स्मृति के जुड़े विवादों की बात करें तो मंत्रालय मिलते ही सबसे पहले उनकी डिग्रियां विवादों में आई। उन पर अपनी एफिडेविट में गलत जानकारी देने का आरोप लगता रहा है। हैदराबाद यूनिवर्सिटी में छात्र रोहित वेमुला की आत्महत्या के बाद भी स्मृति ईरानी निशाने पर थी। रोहित की मौत पर स्मृति को संसद में बयान तक देना पड़ा था और उस बयान पर भी विपक्ष ने उन्हें घेर लिया था। इसके अलावा जेएनयू विवाद तो काफी दिनों तक उनके गले की फांस बना रहा। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के अल्पसंख्यक दर्जे को लेकर भी एचआरडी मिनिस्ट्री सक्रिय हुई थी। इस पर भी एचआरडी मंत्री निशाने पर आई थी। तो जाहिर है कि स्मृति का विवादों से नाता रहा है और शायद यही वजह है कि स्मृति के हाथ से एचआरडी मिनिस्ट्री चली गई है। और अगली खबर आम आदमी पार्टी से जुड़ी। आपके एक और नेता विवादों में फंस गए हैं। आप नेता आशीष खेतान पर धार्मिक भावनाओं को भड़काने का मामला दर्ज हुआ है। दरअसल शनिवार को अमृतसर में खेतान ने आप पार्टी के युवा मैनिफेस्टो की तुलना गुरु ग्रंथ साहिब और गीता से की थी। मैनिफेस्टो में आपके चुनावी चिन्ह झाड़ू के साथ गोल्डन टेंपल की भी तस्वीर का इस्तेमाल किया गया था, जिस पर काफी हल्ला हुआ था। सिखों की भावनाओं को ठेस पहुंचाने का आरोप लगाते हुए यूथ अकाली दल ने मोहाली में आप नेता आशीष खेतान के खिलाफ शिकायत की थी, जिसके बाद अब खेतान के खिलाफ केस दर्ज कर लिया गया है। वही पार्टी ने इसे लेकर माफी मांगी है। पंजाब में आप नेता गुरप्रीत कुंकी ने कहा कि ये भूल का मामला है और हम इसके लिए माफी मांगते हैं, ये सब अनजाने में हुआ। बता दे कि आप विधायक यादव पहले ही इसी तरह के एक मामले में फंस चुके हैं। यादव पर आरोप है कि उन्होंने एक शख्स को मटेर कोटला में एक धार्मिक ग्रंथ के पन्ने फाड़ने को कहा ताकि इसका चुनाव में फायदा उठाया जा सके। हालांकि पार्टी और यादव ने इसे पूरी तरह झूठा करार दिया है। पंजाब पुलिस इसकी जाँच कर रही है। बढ़ते हैं अगली खबर पर। दिल्ली की पूर्व मुख्यमंत्री शीला दीक्षित की मुसीबतें बढ़ सकती हैं। एसीबी ने टैंकर घोटाले में शीला दीक्षित को नोटिस भेजा है। इस नोटिस में शीला को जांच में सहयोग करने के लिए कहा गया है। नोटिस में लिखा है कि ऐसा लगता है कि आप इस मामले के जुड़े तथ्यों और स्थिति से परिचित हैं, ऐसे में आपको मामले की छानबीन में सहयोग देना चाहिए। वहीं दूसरी तरफ शीला दीक्षित ने कोई भी नोटिस मिलने से इनकार कर दिया है। आपको बता दें कि शीला दीक्षित के खिलाफ अरविंद केजरीवाल सरकार ने आरोप लगाया था कि शीला ने अपने कार्यकाल में 400 करोड़ का टैंकर घोटाला किया है। इस घोटाले में कांग्रेस नेता मतीन अहमद, भीष्म शर्मा का नाम भी है। अब तक इस मामले में आप सरकार के मंत्री कपिल मिश्रा से पूछताछ हो रही थी। उन्होंने ही घोटाले को उजागर कर रिपोर्ट एसीबी को सौंपी थी। बॉलीवुड के मशहूर सिंगर मीका सिंह एक बार फिर विवादों में घिर गए हैं। मुंबई के एक फैशन डिजाइनर ने मीका पर छेड़खानी का आरोप लगाया है और वर्सोवा पुलिस थाने में मीका के खिलाफ केस भी दर्ज कर लिया गया है। बताया जा रहा है कि फैशन डिजाइनर मीका को पहले से जानती थी। महिला का आरोप है कि मीका सिंह ने उसके साथ बदतमीजी की, कपड़े फाड़े और हाथ भी उठाया। हालांकि मीका सिंह ने अपने ऊपर लगे सभी आरोपों को गलत बताया है। उन्होंने कहा है कि महिला ने मुझसे 5 करोड़ रुपए की मांग की और नहीं देने पर केस करने की धमकी दी थी। अब सच क्या है ये तो जांच के बाद ही साफ हो पाएगा। चलते हैं अगली खबर पर। अहमदाबाद में भगवान जगन्नाथ की 139वीं रथ यात्रा शुरू हो चुकी है।
यात्रा शुरू होने से पहले बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह परिवार के साथ जगन्नाथ मंदिर पहुंचे और उन्होंने मंगला आरती की। गुजरात के मुख्यमंत्री आनंदीबेन पटेल भी इसमें शामिल हुई। आनंदीबेन पटेल ने भगवान के रथों के लिए मार्ग की सफाई की पारंपरिक रस्म निभाई, जिसके बाद 400 साल पुराने जगन्नाथ मंदिर से रथ यात्रा शुरू की गई। लाखों लोग भगवान की यात्रा में शामिल हुए हैं। दूर दराज से श्रद्धालु भगवान के दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं। वहीं यात्रा के मद्देनजर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। रुक करते हैं अगली खबर का। टीम इंडिया वेस्ट इंडीज दौरे के लिए मुंबई से रवाना हो गई है। विराट कोहली की कप्तानी में यहां 4 मैच खेले जाएंगे। बताया जा रहा है कि टीम इंडिया दौरे की शुरुआत 9 जुलाई को सेंट किट्स में 2 दिवसीय मुकाबले से करेगी और दौरे का समापन 4th टेस्ट मैच से होगा। भारत को इसके बाद इसी मैदान पर 14 और 16 जुलाई तक 3 दिन अभ्यास मैच खेलना है। भारत और वेस्टइंडीज के बीच एंटीगुआ में 21 से 25 जुलाई तक पहला टेस्ट मैच खेला जाएगा। भारत को इसके बाद किंगस्टन में 30 जुलाई से 3 अगस्त तक दूसरा टेस्ट मैच खेलना है। और अब बात सुल्तान की। फैंस का इंतजार आखिरकार खत्म हुआ। बॉक्स ऑफिस पर आज सुपरस्टार सलमान खान की फिल्म सुल्तान रिलीज हो गई है। ये फिल्म ईद से एक दिन पहले रिलीज हुई है। इस फिल्म में सलमान के ऑपोजिट अनुष्का शर्मा हैं। देश भर में सुल्तान को लेकर जबरदस्त क्रेज देखा जा रहा है। सभी शोज हाउसफुल है। इस फिल्म को भारत में 4500 सिनेमाघरों में रिलीज किया जा रहा है। वैसे इस फिल्म को लेकर पहले से ही काफी उत्साह देखा जा रहा था सलमान के फैंस में। फिल्म के टाइटल ट्रैक से लेकर सभी गाने सभी को पसंद आ रहे हैं। ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं कि ये फिल्म कमाई के मामले में कई रिकॉर्ड्स तोड़ने वाली है। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए डीबी लाइव, क्योंकि यहाँ है खबरें लगातार।